हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कुक विद सुमन राठौड़ पे। मैं आपकी होस्ट एंड शेफ़ सुमन राठौड़। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बन जाने वाली ब्रेड पकौड़ा रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसे ज़रूर अपने घर पर बना के देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए 2 उबले हुए आलू, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, 1 कटी हुई प्याज, 2 कटी हुई हरी मिर्च, आधी कटोरी टमाटो सॉस, मुट्ठी भर धनिया और 1 कटोरी बेसन, और हमें चाहिए 1 ग्लास तेल। यहाँ पे मैंने लिए 4 ब्रेड। अब इन दोनों आलुओं को मैंने यहाँ बाउल में ले लिया है, इन्हें मैं मैश कर लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं आलूओं को मैश कर रही हूँ। आलूओं को अच्छे से मैश कर लेना है। अब मैं इसमें चिल्ली पाउडर डाल रही हूँ, हल्दी और ये सॉल्ट, मैं बारीक कटी हुई प्याज डाल रही हूँ, चिल्ली, धनिया। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए यहां पे इसका मैंने तैयार कर लिया है, आलू को अच्छे से मिक्स करके इसमें सारा मसाला मिक्स कर लिया है। मसाला तैयार है। अब हम अपना बेसन का घोल बनाएंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे एक बड़ा बाउल ले लिया है, इसमें हमें बैटर तैयार करना है। बेसन ले लिया है मैंने। अब इस बेसन में मैं 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून चिली पाउडर और चुटकी भर हल्दी। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। हमें बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। आप धीरे धीरे करके मिक्स कीजिएगा। थोड़ा पानी और डालेंगे। हमारा बैटर ना तो ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ज्यादा पतला, इसलिए हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा बैटर तैयार है। देखिए बैटर ऐसा होना चाहिए, ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा पतला, बैटर तैयार है। अब हम ब्रेड ले जाते हैं। ये देखिए हमने ब्रेड ले ली है। अभी हम इसके टमाटो सॉस लगाएंगे। टमाटो सॉस बच्चे बहुत पसंद करते हैं, बड़े चाव से खाते हैं, इसलिए टमाटो सॉस अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो टमाटो सॉस जरूर लगाइएगा। टमाटो सॉस लगा लेंगे हम ब्रेड के पहले अच्छे से, और टमाटो सॉस का स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। अगर आप इसको लगा के स्टफिंग करेंगे तो ब्रेड पकौड़ों का स्वाद बढ़ जाएगा। ये देखिए हमने यहाँ पे ब्रेड पे टमाटो सॉस लगा लिया है और हम इसमें मसाला भर देंगे। इसके ऊपर ब्रेड को हम ऐसे रख देंगे, मसाला भर लेते हैं। अब देखिए हमने इसमें मसाला भर दिया है। अब इसे चाकू की हेल्प से बिल्कुल धीरे धीरे बीच में से काट लेना है। ऐसे काट लेना है। इसको भी हम काट लेंगे। ये देखिए हमने ऐसे काट लिया है इसको शेप में। देखिए हमने यहाँ पे कढ़ाई को गर्म चढ़ा दिया है। अब हम इसमें तेल डालते हैं।
इसमें तेल डाल दिया है। अब इस तेल को थोड़ी देर गर्म होने देते हैं। देखिए तेल गर्म हुआ है नहीं हुआ ये चेक करने के लिए पहले हमें थोड़ा सा बैटर का इसमें एक बूंद डालते हैं। हाँ ये गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पकौड़े डालेंगे। देखिए पहले बैटर में हमें इसको ऐसे दोनों तरफ से डिप करना है। अब हम धीरे से इसको कढ़ाई में डालेंगे। दोनों इसको दो अच्छे से दोनों तरफ से डिप करके धीरे से डालना है ऑयल में। अब इनको पलट लेंगे थोड़ा थोड़ा। अब इनको पलटो इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हमें तलना है। ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं इन्हें हम निकाल देते हैं। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। हम इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। देखिए देखिए हमारे ब्रेड पकौड़े तलकर एकदम तैयार हो गए हैं। अच्छे से हमने इन्हें फ्राई कर लिया है। गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। देखिए कितने बढ़िया बने हैं हमारे ब्रेड पकौड़े। हमारा ब्रेड पकौड़ा एकदम तैयार है। आप इसे बहुत आसानी से और जल्दी बना सकते हैं। आप इसे गर्मा गर्म टमाटो केचप के साथ सर्व कीजिए। धन्यवाद।